वहीं स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। वहीं आज जिम्मेदारों की लापरवाही से प्रसव के समय जच्चा बच्चा की मौत हो गई। एक तरफ जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। वहीं आज जिम्मेदारों की लापरवाही से प्रसव के समय जच्चा बच्चा की मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ नगर में चल रहे सेवा हॉस्पिटल की। आपको बताते चले कि जिले बासी कोतवाली के सोनगर चौराहे पर करीब 2 वर्षों से NH-28 पर अभी तरीके से चल रहा है, जहां जिम्मेदार की अभी तक नजर नहीं पड़ी। वहीं आज सुबह प्रसव के लिए महिला का प्रसव के समय जच्चा बच्चा की मौत हो गई, तो वहीं परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मृतका गोलहरा थाना क्षेत्र के पच्छर की निवासी थी। वहीं शांति व्यवस्था के लिए आधा दर्जन थाने की पुलिस बल लगाई गई। घटना के बाद SDM बासी प्रमोद कुमार और अधीक्षक बसंत कुमार डॉक्टर राजीव रंजन ने पहुंचकर देखा तो अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड मशीन को सील किया। वहीं महुआ में चल रहे मार्किंजे हॉस्पिटल का भी नाम आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना किसी महिला डॉक्टर या नर्स के प्रसव कैसे होता है। वहीं मृतक के परिजन उसे एडमिट करने से पहले 30,000 रुपए भी ले चुके थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए परिजन ने बताया कि आज सुबह मरीज को भर्ती किए और तुरंत मोटी रकम जमा करवा दी। अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलते ही हम लोग आए और देखा गया अस्पताल को सील कर दिया गया है और जेल भी जाएंगे। वही प्रसूता यहाँ आए थे डिलीवरी के लिए, उनका केस गड़बड़ हो गया था तो उसी में यहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसमें कुछ लोग यहाँ आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे, जिसमें हमारे पूरे थाने की फोर्स आ गई है। तो इसको देखते हुए हॉस्पिटल का जांच किया गया तो जिसमें अल्ट्रासाउंड पाया गया जो अवैध रूप से है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको छेड़छाड़ किया गया है और साथ ही इसका तब से मांगा जा रहा है हॉस्पिटल से कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो हॉस्पिटल का है लीगल है या इलीगल है, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो इसको देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है और साथ ही जो अल्ट्रासाउंड मशीन मिली है उसको भी सील करके और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसे जो भी आता है इसमें आगे कार्रवाई। लेके आए उस मरीज को तभी 30,000 रुपया जमा करवा लिया गया था। अब उसमें देखा जा रहा है, छानबीन SO साहब के द्वारा की जा रही है, जिसके अगर जो गलती होगा तो मुकदमा उसमें दर्ज किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, आरोप है कि एक मारकंडे हॉस्पिटल चलता है जो बहादुरगंज चौराहे पर, उस डॉक्टर द्वारा यहाँ पर लाया गया था उस मरीज को और उसकी मौत हो गई है, उसके बाद वो भाग गया, इस पे आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें रजिस्टर वगैरह एविडेंस जो भी मिले हैं उसका छानबीन होगा, जो भी इसे जुड़ा होगा इस तरह के स्कैम से उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं SDM प्रमोद कुमार ने बताया कि सेवा हॉस्पिटल पर जच्चा बच्चा की मौत हुई, अस्पताल को सील किया गया है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और जो भी अवैध तरीके से हॉस्पिटल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी सूचना मिली है कि अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई है और सूचना मिलते ही हम लोग आए यहाँ पे और अस्पताल में छानबीन किया गया। छानबीन के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन, अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर भी संचालित पाया गया था और हमने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना भी दिया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अस्पताल सीज किया जा रहा है। सीज करने के बाद जो भी यहाँ पर है सबको कार्रवाई की जा रही है। संचालित हो रहा है सेवा हॉस्पिटल के नाम से, इसमें पर्चे में लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य महकमा जो है ये कोई घटना होने के बाद क्यों जगता है, इसके पहले क्यों नहीं अस्पताल की जांच की जाती है? यहाँ कोई महिला डॉक्टर या नर्स नहीं, ऐसे में प्रसव कैसे हॉस्पिटल पे हो रहा था? पहले भी ऐसे अस्पतालों पे निरंतर कार्रवाई की गई है, कार्रवाई होती रही है, ऐसे अस्पताल जो भी पाए गए हैं उन पे कार्रवाई हुई है
और वो सीन भी किए गए हैं और अभी भी कुछ स्थानों में कार्रवाई हुई है जो भी देनी है। मारकंडे का नाम आ रहा है, उस पर आप द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर इसमें इस तरह के प्रकरण में ऐसा कोई अस्पताल पाया जाता है जो पंजीकृत नहीं है, अवैध रूप से चल रहा है, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। परिवारों का आरोप है कुछ पैसा दिया गया था, डाटा ने लिया है, पैसे से संबंधित जो भी है उसको भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकल के आएगा। सर इस मामले में कार्रवाई होगी कि फ्री हो जाएगा? कार्रवाई होगी और जेल जाएंगे और अस्पताल सील होगा। आप लोग सेवा आश्रम हॉस्पिटल पे भीड़ लगाए हुए, यहाँ एक जच्चा बच्चा की मौत हुई, क्या है पूरा मामला, कैसे क्या घटना हुई? पूरा मामला यह साहब कि हमारे मरीज को भर्ती 5 बजे किया गया, उसके बाद में भर्ती करने के बाद में ये बोला कि आपका हम खून दे देंगे और खून का व्यवस्था कर देंगे। हम 7 बजे लेके आए थे यहाँ, 5 बजे लेके आए थे यहाँ पे, 5 बजे के बाद से हमको 8 बजे तक नहीं किया कुछ भी, उसके बाद भर्ती कर लिया। उसके बाद भर्ती करने के बाद में ये बोला कि अभी ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं हुआ साहब। उसके बाद में फिर ये लोग भाग गए नौगढ़, नौगढ़ से भाग के आए चले आए तो ये आए 3-2.5 बजे तक में, ये ऑपरेशन नहीं हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि ये मरीज मर गया है और आप अपना मरीज ले जाइए, और पैसा जमा करा लिए थे पहले साहब। पैसा कितना लिए थे? 30,000 साहब, 30,000 रुपया। आगे आप क्या चाह रहे हैं? आगे चाह रहे हैं साहब कार्रवाई हो इनके साथ में, ऐसा कोई